हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट ऑल रेसिपीज़। आज मैं लेकर आई हूँ सूजी की इडली की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये इडलियाँ और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, और इनको बनाने में भी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इन इडली को कैसे बनाते हैं। जो हम यहाँ इडली के लिए बैटर बनाएंगे, आप इससे डोसा भी बना सकते हैं, और इसी बैटर से मैंने डोसा बनाकर अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली है और 1 कटोरी दही लिया है, ये घर का जमाया हुआ दही है। तो यहाँ पर टोटल 1.5 कटोरी सूजी में मैंने 1 कटोरी दही डाला है। अब मैंने इसमें 1.5 कटोरी पानी डाला है, तो पहले मैं 1 कटोरी पानी लूँगी, पहले इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें और पानी डालेंगे। एक साथ अगर आप सारा पानी डाल देंगे तो बैटर को मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ मैंने अभी 1 कटोरी पानी लिया है। अब हम इसमें जो भी हमने दही डाली है उसमें जो लम्स हैं वो सारे हमें अच्छे से फेंट लेने हैं, जिससे कि हमारा बैटर जो है वो लम्स फ्री हो जाए, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो इसी तरह से आप भी बैटर को अच्छी तरह से फेंट लें, और ध्यान रहे कि इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, चाहे तो आप क्लॉक वाइज फेंटें या फिर एंटी क्लॉक वाइज। अब मैंने इसमें 1/2 कटोरी पानी और डाल दिया है। अब इसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1/2 घंटे के बाद हम एक बार फिर से मिला लेंगे, जिससे कि थोड़ी बहुत जो लम्स हैं वो अच्छे से लम्स फ्री हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 छोटी चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लें। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 छोटी चम्मच डाला है बेकिंग सोडा। अब इसको भी मिक्स कर देंगे बैटर के साथ। जब आप बेकिंग सोडा डालने के बाद बैटर को मिक्स करेंगे तो इसमें बहुत छोटे छोटे से आपको बुलबुले नज़र आने लगेंगे। अब इसे साइड में करते हैं, और अब हम लेंगे मोल्ड जिसमें हम इडली को बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इडली मोल्ड लिया है। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, आप चाहें तो कटोरी में भी बना सकते हैं। छोटे साइज़ की कटोरी ले लें और उनको भी ऑयल से ग्रीस कर दें, सेम प्रोसेस है जैसे कि हम इसमें बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है इडली स्टैंड में, जिससे कि जब हम इडली को बाहर निकालें तो उसको निकालने में प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से निकल जाए। तो आप अगर कटोरी में बनाएं तो कटोरी को भी इसी तरह से ऑयल लगा दें, ऑयल से ग्रीस कर दें, उसके बाद ही उसमें बैटर डालें। तो मैंने यहाँ पर ऑयल लगा दिया है, सारे इडली मोल्ड को मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल से। अब हम बैटर को लेंगे और इडली मोल्ड में बैटर को डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच जितना बैटर डाला है। जब आप बैटर डालें तो सांचे को थोड़ा सा खाली रहने दें, क्योंकि जब इडलियाँ फूलेंगी तो इडली को थोड़ी सी जगह चाहिए होगी फूलने के लिए, इसलिए थोड़ा सा खाली ही रखें। तो मैंने यहाँ 1.5 चम्मच जितना सब में भर दिया है बैटर। मैंने जो इडली बनाने का सांचा लिया है ये थोड़ा सा छोटा और कम गहरा है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1.5 चम्मच बैटर ही डाला है। अगर आपका सांचा थोड़ा बड़ा है और गहरा है तो आप इसमें थोड़ा सा और बैटर डाल सकते हैं, 2 या 2.5 चम्मच के जितना बैटर डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मोल्ड जो है वो कम गहरा है, इसलिए इडलियाँ भी छोटे साइज़ की बनेंगी। तो इसी तरह से हमें सारे जितने भी सांचे हैं उनको फिल कर लेना है। अगर आपको लगे कि किसी में बैटर ज़्यादा हो गया है तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं। मैंने यहाँ पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो 5 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर पानी को गर्म होते हुए। अब जो हमने इडलियाँ बना के रखी हैं, सांचे में भर के रखी है, वो इसमें डाल देंगे और इस तरह से ढक देंगे कि इसमें से स्टीम बाहर ना जाए। 20 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर इडलियों को लो फ्लेम पर पकाएं, और फिर 20 मिनट के बाद चेक करें कि वो पकी हैं या नहीं। तो आप चेक करने के लिए चाहे कोई टूथपिक या फिर चाकू ले सकते हैं, इस तरह से इडली में डालें। अगर आपकी टूथपिक या चाकू साफ़ निकल रहा है, बिल्कुल क्लीन है, तो इसका मतलब है कि इडली पक गई है, और अगर नहीं निकलता है क्लीन तो आप 5 से 10 मिनट के लिए और पका सकते हैं लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर मेरी इडलियाँ जो थी वो पक गई हैं, अब मैं इनको ठंडा कर लूँगी। जब मोल्ड ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आपको इडली को निकालना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप गर्म गर्म में ही इडलियों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नीचे से चिपक जाएंगी और उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो मोल्ड ठंडा हो गया था, तो मैंने उसके बाद ही इडली को बाहर निकाला है। इडली निकालने के लिए आप इस तरह से चाकू लें और ऐसे इनके साइड्स को निकाल दें, इससे ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बाहर निकल गई है, और इसकी शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। तो इसी तरह से हम बाकी की इडली को भी निकाल लेंगे।
मैं आपको दूसरी इडली भी निकाल कर दिखा देती हूँ, बहुत ही आराम से निकल जाती है। तो इसी तरह से सारी इडली को बाहर निकाल लेना है। इन इडलियों को हमने बिना इनो के बनाया है, बहुत ही कम चीज़ों से इनको बनाकर तैयार करा है। सूजी, दही, बेकिंग सोडा, नमक और पानी का ही यूज़ किया है। इतनी कम चीज़ों में ये देखो कितनी स्पंजी बनी है और बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पंजी हैं ये। मैंने इसे सांभर और मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी इस तरह से इडली को ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएंगी और बहुत ही कम चीज़ों में बनकर और जल्दी से तैयार भी हो जाती हैं। तो आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।